ये दुनिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमय। इंसानों की अपनी दुनिया है, मगर ऐसी ही एक दुनिया उन अदृश्य ताकतों की भी है जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लोग इन्हें भूत, प्रेत, आत्मा, जिन, चुड़ैल, ऊपरी हवा, बला हवा, न जाने किस किस नाम से जानते हैं, पुकारते हैं। कुछ लोग इन पर विश्वास करते हैं तो कुछ इन्हें सिरे से नकार देते हैं। भले ही लोग जुबां से इन शक्तियों के अस्तित्व को नकार दें, लेकिन जहन में जो खौफ बसता है वो इन अदृश्य ताकतों की मौजूदगी की चीख चीख कर गवाही देता है। तो मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो रहस्यम। और अभी अभी जो बात मैंने आपके साथ शेयर की, उन्हीं बातों और सवालों के इर्द गिर्द घूमती है वो कहानी जो इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं। हमारी ये कहानी उसी संसार से जुड़ी है जिसका ठिकाना लोगों के जहन में है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं प्रेतात्माओं की एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ डर का ही डेरा है। इंसानी सोच से परे अदृश्य शक्तियों का संसार, जहां है रूहानी ताकतों का डेरा। यहां भूतों की लगती है कचहरी, होता है इंसाफ। प्रेत आत्माओं को मिलती है सजा, भूत प्रेतों से मिलती है निजात। लोग बेसुध हैं, बदहवास हैं, खुद की तलाश में भटक रहे हैं, क्योंकि जो भीतर है वो कोई और है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और जवान सभी यहाँ हैं, बेचैन हैं, छटपटा रहे हैं उस बला से छूटने के लिए जिसने इन्हें अपने शिकंजे में ले लिया है। बाल बिखरे हुए हैं, लोग सिर पटक रहे हैं, महिलाएं चीख रही हैं, भाग रही हैं, कभी इधर तो कभी उधर। तो कौन है ये लोग, कहां से आए, इन्हें आखिर हुआ क्या है और ये यहां आखिर कर क्या रहे? इस तरह के ढेरों सवाल अब इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में उठ रहे होंगे। जवाब मिलेगा, राज से पर्दा भी उठेगा हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में। बस आप बने रहिए हमारे साथ। हम बात कर रहे हैं रुड़की के पिरान कलियर की साबिर पाक दरगाह की। इस पवित्र दरगाह में कई राज दफन हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। यहां कौन सी वो शक्ति है जो भूतों को इंसानी शरीर छोड़ने के लिए मजबूर कर देती है, उसी अलौकिक शक्ति का पता लगाने के लिए हम यहां आए हैं। चलिए आपको लेकर चलते हैं रहस्य और रोमांच के इस सफर पर। डरिएगा मत, बस दिल थाम कर बैठिए। तो जब हमने इस दरगाह के बारे में सुना तो हमें भी यहां के बारे में जानने की एक इच्छा हुई कि क्या है आखिर इस जगह में। इस दरगाह के चमत्कार के बारे में लोगों से अब तक बहुत कुछ सुना था, लेकिन बेचैनी यह थी कि उस अदृश्य ताकत को महसूस कैसे किया जाए। कई अनसुलझे सवालों के साथ हम भी दरगाह के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके थे और अब बारी थी इस रहस्यमय लोक के भीतर जाने की। तो चलिए शुरू करते हैं दरगाह के अंदर का सफर और जानने की कोशिश करते हैं यहां के रास। हम दरगाह के भीतर पहुंचे तो हमें यहां लोगों की भीड़ नजर आई। इनमें एक बड़ी संख्या उन लोगों की थी जो भूत प्रेत जैसी समस्याएं लेकर यहां आए थे। कुछ पर जिन्न का साया था, कुछ के शरीर को प्रेतात्मा ने कब्जे में कर रखा था, कुछ चुड़ैल के डर से कांप रहे थे तो कुछ तंत्र मंत्र और वशीकरण का शिकार हुए थे। हमने यहां लोगों को तड़पते हुए देखा, बेचैनी से छटपटाते हुए देखा, दीवारों पर सिर पटकते हुए लोग नजर आए, कुछ बेसुध होकर इधर उधर भाग रहे थे। तस्वीरें खौफ पैदा करने वाली थी और परेशान करने वाली थी। इन तस्वीरों से जुड़ी कुछ और बातें आपको बताएंगे हमारे संवाददाता प्रिंस। हम मौजूद है फिलहाल रुड़की से सटे हुए पिरान कलियर में, जो पिरान कलियर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। मैं दिखाना चाहूंगा दरगाह में यहाँ मौजूद हूँ। और पिरान कलियर शरीफ में देश की दूसरी सबसे बड़ी दरगाह है जो देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है। कहते हैं कि यहाँ भूत प्रेतों की समस्या लाने वाले लोगों को यहीं पर छुटकारा मिलता है। साथ ही उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ ऐसी कई जगह है जहाँ हिंदू मुस्लिम की एकता बनाए रखने के लिए जानी जाती है। बात करें पिरान कलियर में तो पिरान कलियर और यहाँ पर कलियर शरीफ के नाम से जाना जाता है सूफी संत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर की यहाँ
पर कब्र है जहाँ मुस्लिम के साथ साथ हिंदू धर्म के लोग भी यहाँ पर आते हैं और चादर चढ़ाते हैं। सभी धर्मों के लोगों की यहाँ पर मान्यता है और मान्यता के हिसाब से आते हैं और माना जाता है कि जो भी पीड़ित यहाँ पर आता है उसकी दुआ प्रार्थना यहाँ पर कबूली जाती है और उसे समस्याओं से यहाँ पर निजात मिलता है। जैसा कि आप जान चुके हैं, ये सभी लोग यहाँ भूत प्रेत से छुटकारा पाने के लिए आए थे। जब इलाज करते करते डॉक्टर्स ने हार मान ली, न मर्ज का पता चला, न कोई दवाई मिली, तब ये लोग आखिरी आस लेकर साबिर पाक दरगाह पर चले आए। ऐसे ही लोगों में शामिल हैं दूर से आए मौसम अली। दरगाह साबिर पाक की अगर हम बात करें तो ये दरगाह साबिर पाक वर्ल्ड फेमस दरगाह है और उत्तराखंड का पांचवा धाम है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो जिन भूत प्रेत होते हैं वो अगर कहीं पर भी ठीक नहीं होते, चाहे वो कितना भी बड़ा जिन हो, भूत हो, प्रेत हो, कितना भी कोई भी किसी भी तरह की काली छाया हो, वो यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल बेकाबू हो जाती है और तड़प तड़प कर अपना नाम बताती है, अपना एड्रेस बताती है, किसने भेजा है उसका, उस तक का नाम बता देती है। और जिसके ऊपर वो आत्मा यहाँ पर होती है, साबिर पाक की दुआओं से अल्लाह का बड़ा करम है, उसको, उस मरीज को आराम मिलना शुरू हो जाता है, फैज मिलना शुरू हो जाता है। रुड़की से 10 किलोमीटर दूर पिरान कलियर शरीफ दरगाह देश की दूसरी सबसे बड़ी दरगाह मानी जाती है। यहाँ सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोग अपनी समस्याएं, अपनी मुरादें लेकर आते हैं। यही वजह है कि कलियर शरीफ की यह दरगाह भाईचारे की भी अद्भुत मिसाल मानी जाती है। लेकिन जो बात इस दरगाह को सबसे खास बनाती है वो है यहाँ की अदृश्य शक्ति, वो अलौकिक ताकत जो भटकती प्रेतात्माओं को इंसानी शरीर से मुक्त कर देती है। अब आप इसे श्रद्धा कहें या अंधविश्वास, यहाँ भूत प्रेत का इलाज होता है और वो भी डंके की चोट पर। यह उत्तराखंड की एक मशहूर दरगाह है, बहुत महत्व है। हुजूर सरकार साबिर पाक आपका नाम है, हजारों साल पहले आप साबिर पाक तशरीफ लाए और जादू टोना आसेब बला सब आपके दरबार में आने से सबको शिफा मिलती है, अल्लाह शिफाता फरमाता है। और जो भी मन्नत मुराद लेकर लोग आते हैं, सभी धर्म के लोग, किसी भी धर्म के लोग, जो भी धर्म हैं, सबके यहाँ आते हैं दरबार में आपके, और अपनी मन्नत मुराद पाते हैं। और सबकी जो बीमारियाँ परेशानी जिस किसी भी किस्म के जो तकलीफ होती है वो सब अल्लाह सरकार के करम से सिपाता फरमाता है। इस दरगाह पर दुनिया भर के लोग आते हैं, इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें काफी समय से भूत प्रेत और जिन्नात परेशान कर रहे हैं, जिनके भीतर प्रेत आत्माओं ने अपना घर बना लिया है। ऐसे लोग इन बलाओं से छुटकारा पाने के लिए इस पाक दरगाह में हाजिरी लगाते हैं। लोगों की मान्यता है कि साबिर पाक की दरगाह में मन्नतें लेकर पहुंचने वाले लोग कभी खाली हाथ नहीं लौटते। जो लोग भूत प्रेत और जिन्नात के सताए होते हैं उन्हें उनके परिवार वाले इस दरगाह में लेकर आते हैं। भूत प्रेत के शिकंजे में आए लोगों को लिखित शिकायत का पर्चा देना होता है। इस पर्चे पर अपनी पूरी समस्या लिख देनी होती है, फिर यही पर्चा साबिर पाक के दर पर पहुंचता है और इसके बाद शुरू होता है इंसाफ। लोगों का मानना है कि तड़पती आत्माओं और भूत प्रेत को इंसानी शरीर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। भूत प्रेत अगर जिद पर अड़ते हैं तो उनकी पिटाई की जाती है, और अगर फिर भी ये भूत प्रेत काबू में नहीं आते तो इन प्रेत आत्माओं को फांसी पर लटका दिया जाता है। ये भी कहा जाता है कि दुनिया में केवल कलियर शरीफ ही एक ऐसी जगह है जहां जिन्नों और प्रेतों को फांसी दी जाती है, जिसके बाद पीड़ित इंसान तुरंत प्रेत आत्माओं से छुटकारा पा जाता है। साबिर पाक रहमतुल्लाह की बारगाह बड़ी मशहूर है और माशाल्लाह यहाँ मुल्क से और बैरून मुल्क से भी लोग आते हैं और साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान को लेकर यहाँ से जाते हैं और अपनी जो मन्नतें मुरादें होती हैं वो साबिर पाक की बारगाह से लेकर बारगाह साबिर पाक से अपने घरों की तरफ जाते हैं। माशाल्लाह जी, इसमें बेशक साबिर पाक की बारगाह में जो भी बीमार हो या जब लाइलाज हो जाते हैं लोग साबिर पाक की बारगाह में आते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला साबिर पाक की बारगाह के तुफैल उन्हें जो है शिफाता फरमा देता है। पिरान कलियर की साबिर पाक दरगाह की सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़ी मान्यता है। यही वजह है कि देश विदेश से बड़ी संख्या में जायरीन यहाँ मनोकामनाएं लेकर आते हैं, चादर चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। साबिर पाक की दरगाह में लोगों की गहरी आस्था जुड़ी है। इस दरगाह के चमत्कार के आगे लोग नतमस्तक हैं। ऊपरी हवा से लेकर लाइलाज बीमारी तक जीवन से जुड़ी तमाम समस्याओं का हल यहाँ आसानी से निकल आता है।
यही वजह है कि साबिर पाक दरगाह में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है। तो हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, हम तो सिर्फ लोगों की आस्था का सम्मान करते हैं। आस्था और अंधविश्वास के बीच एक बारीक सी रेखा होती है जिसे कई बार नजरों से देख पाना भी मुश्किल होता है। लेकिन यह भी हकीकत है कि यही आस्था लोगों को कई बार जीवन जीने का हौसला देती है। कलियर शरीफ की यह दरगाह भी ऐसी ही आस्था का केंद्र बन चुकी है। यह लोगों का विश्वास ही है कि लोग यहां बेचैन होकर आते हैं और सुकून से घर लौट जाते हैं। यह विश्वास ही काम आ रहा है, लोगों को आराम आ रहा है, और क्या चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।